शिक्षा के जो जहाँ से बच्चे पढ़ सकते हैं, विद्यालय, अच्छे विद्यालय की स्थापना करवाने में हमारी भूमिका होगी, और साथ ही साथ लोगों को प्रेरित करना है कि जो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाने का काम करें। सबसे महत्वपूर्ण आज इस ज़िले की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सड़कों का अभाव है। जितनी भी सड़कें हैं वो गड्ढे की रूप में दिखाई पड़ती हैं। हमारी प्राथमिकता होगी कि इस ज़िले की उन सड़कों को ठीक कराया जाए और जिससे लोगों का सुगमता के साथ आना जाना हो सके, उससे किसान को भी फायदा होगा और इस ज़िले के लोगों को भी फायदा मिल सकता है। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा का, मेरा ये मानना है कि शिक्षा और सुरक्षा दोनों सरकार की नीयत पर निर्भर करता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में इस बात का उल्लेख किया था बनाते हुए संविधान सभा में कि अगर लोगों की नीयत अच्छी है तो बुरा संविधान भी देश के हित में सार्थक हो सकता है, और अगर नीयत अच्छी नहीं है तो अच्छा संविधान भी कुछ कारगर नहीं हो सकता। तो आज जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी की कानून व्यवस्था के मामले में, नारी की सुरक्षा के मामले में इनकी प्राथमिकता नहीं रही, इनकी नीयत अच्छी नहीं रही है, जिसके कारण सुरक्षा की सवाल उठते हैं। हमारा ये मानना है कि बहन कुमारी मालती जी ही जैसी प्रशासक के बदौलत ही महिलाओं की सुरक्षा भी होगी और उनकी शिक्षा के लिए समुचित प्रबंध किया जा सके।